आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के मार्गदर्शन में मोदी बनाएंगे ड्रीम कैबिनेट। सूत्रों के मुताबिक राजनाथ को मंत्री पद और बड़े नेताओं को सम्मानजनक पद देने के फेवर में संघ। मोदी के सिपहसालार अमित शाह दिल्ली में संघ मुख्यालय पहुंचे। नतीजों से पहले बीजेपी में बैठक का दौर। राजनाथ सिंह से मिले आरएसएस नेता सुरेश सोनी और रामलाल। बीजेपी नेता उमा भारती ने की पहले गडकरी और फिर आडवाणी से मुलाकात। बीजेपी नेता वरुण गांधी ने पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी से उनके घर पर जाकर मुलाकात की। मोदी सरकार में आडवाणी की जिम्मेदारी तय। सूत्रों के मुताबिक बनाया जा सकता है लोकसभा स्पीकर। देखिए, ये लोग तो नरेंद्र मोदी जी तो पिछले एक महीने से इसी तरह बिहेव कर रहे हैं जैसे वो प्रधानमंत्री बन चुके हैं। आज कैबिनेट को लेके आपस में झगड़ा हो रहा है। अभी तो एक दिन का वक्त बाकी है और पिछले तीन दिन से ये कार्रवाई चल रही है। मेरा ख्याल है कि 16 तक इंतजार करना चाहिए था। सत्ता की इतनी जल्दी नहीं होनी चाहिए और ये तो अभी इब्तदाई इश्क है। रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। 17 मई को गांधीनगर से दिल्ली आएंगे मोदी। दोपहर 3 बजे वाराणसी जाने का कार्यक्रम। गंगा घाट पर गंगा आरती में शामिल होंगे मोदी। अमित शाह आज शाम पहुंचेंगे वाराणसी। गुजरात के बड़नगर अपने लाल की तैयारियों में जुटा। मोदी के लिए शानदार जश्न की तैयारी। 17 मई को होगा गुजरात के सीएम पर फैसला। बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में होगा फैसला। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की मां और पत्नी को मिल सकती है एसपीजी सुरक्षा। मोदी लहर में कांग्रेस के पोस्टर तक से गायब हो गई सोनिया राहुल की तस्वीर। कांग्रेस मुख्यालय में लगे पोस्टर्स तक से सोनिया राहुल की तस्वीर नदारद। 16 तारीख को नतीजों के आने के लिए कांग्रेस दफ्तर में तैयारी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से ये पोस्टर बनाया गया है और इस पोस्टर में राहुल गांधी सोनिया गांधी की जो तस्वीर है फोटो है वो गायब है। मीम जी गायब तस्वीर है राहुल गांधी की इसमें से बैकड्रॉप है, कोई पोस्टर नहीं है। ये कोई प्रोपेगेंडा मटेरियल नहीं है। ये हमने कोई इलेक्शन के लिए कोई चुनाव के लिए इसको तैयार नहीं किया। ये आप लोगों के लिए तैयार है और ये नॉर्मल प्रैक्टिस है कि जब प्रेस वालों से बात करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारा, आप अंदर रूम में रोज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पीछे यही निशान है। और जब हम लोग आपसे शाम को टीवी चैनल पर बात करते हैं तो अक्सर प्रवक्ताओं के घर पर भी इसी निशान का इस्तेमाल होता है। वोटिंग खत्म होते ही राहुल गए विदेश। सूत्रों के हवाले से खबर। प्रधानमंत्री के लिए फेवल पार्टी में गैर मौजूदगी पर उठे सवाल। पीएम के फेयरवेल में राहुल की गैर मौजूदगी पर कांग्रेस का बयान, सवाल खड़े करना ठीक नहीं। अपमान का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। राहुल जी विदेश गए हैं और जाने से पहले प्रधानमंत्री की अनुमति लेकर और उन्हें धन्यवाद देकर गए, ये स्पष्ट कर दिया गया है। इससे अधिक इसमें और कुछ है ही नहीं। राहुल के विदेश दौरे को लेकर बीजेपी शिवसेना ने साधा निशाना। ये शहजादे हैं, तो यही रूप दिखा रहे शहजादे का। फॉरेनर है हमारे देश के लिए राहुल गांधी। छुट्टी मनाने हिंदुस्तान में आते हैं और जब काम खत्म होता है तो जाके फॉरेन में रहते हैं, रंगरलियां उड़ाते हैं। देश में इतनी राजनीतिक उथल पुथल शुरू है और कांग्रेस के उपाध्यक्ष है। 10 साल तक आप इस देश पर राज किया, अपने प्रधानमंत्री ने राज किया। अगर उनको फेयरवेल पार्टी के लिए आप टाइम नहीं दे सकते तो आप कांग्रेस के लिए, देश के लिए क्या टाइम देंगे? वही तो लोग पूछ रहे हैं कि कांग्रेस के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार अब कहां चले गए हैं। क्या इस प्रकार का कोई रहस्यमय काम होना चाहिए? जिस प्रकार से सोनिया जी ने सीताराम केसरी को अपमानित किया था। देखिए, राहुल गांधी जी का पहली बार ये नजरिया नहीं रहा है। प्रधानमंत्री के पद उनका नजरिया हरदम नफरत का रहा और जिस तरीके से वो प्रधानमंत्री जी को जलील करते रहे,
उसका नतीजा ये जो कल हुआ वो भी है। देखिए, हम लोगों के यहाँ एक देहात में एक कहावत है कि हलवाई से जब बैल छूटता है तो सीधे बथान की ओर दौड़ता है। जी न्यूज पर लोकसभा चुनाव के सबसे तेज नतीजे, 100 घंटे का नॉन स्टॉप कवरेज जारी, 16 मई को सुबह 6 बजे से लगातार। मोदी के पीएम बनने की उम्मीदों के बीच भावुक हुई बहन वासंती मोदी, कहा पिछली बार रक्षाबंधन पर कहा था अगली बार दिल्ली आऊंगी राखी बांधने। मोदी की ताजपोशी की जबरदस्त तैयारी, मुंबई से दिल्ली तक लड्डू बनाकर तैयार, बस 16 तारीख का इंतजार। नतीजों से पहले मोदी समर्थकों में जबरदस्त उत्साह, कौशाम्बी के मोदी मंदिर में विशेष अनुष्ठान। जब तक मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन जाते, आगे पीछे उनके कोई बाधाएं ना आए, इसलिए हवन का कार्यक्रम चलता रहेगा। और वाराणसी में मोदी की तस्वीर पर तिलक, तो वडोदरा में समर्थकों ने बनाई प्रतिमा। वहीं बेंगलुरु में नरेंद्र मोदी के लिए हवन और यज्ञ किया जा रहा है। चुनावी नतीजों के साथ साथ संसद में नए सांसदों की अगवानी। नई सरकार और 16वीं लोकसभा के नए सदस्यों के स्वागत के लिए संसद भवन भी पूरी तरह से तैयार है। आप देख सकते हैं कि संसद भवन परिसर को किस तरह से साफ सुथरा किया गया है। जो हमें जानकारी मिली है कि लोकसभा सेक्रेटेरिएट के कर्मचारी और अधिकारी इसके लिए पिछले एक सप्ताह से दिन रात एक किए हुए थे। अभी भी मजदूरों को लगाया गया है, जो काम बाकी है, क्योंकि समय कम है, इसलिए ये काम जोर शोर से किया जा रहा है। वाराणसी में अनोखे ढंग से मोदी समर्थकों ने जश्न मनाया, मोदी की जीत के लिए प्रार्थना की।